आपने चार ट्वीट किए थे पाकिस्तान कश्मीर और जंग को लेकर जो फैक्चुअली इनकरेक्ट थे। कौन से? पाकिस्तान हैड इन्वेटेड ओनली कश्मीर, चौधरी'स आइडिया वाज दैट वी इन्वेट पाकिस्तान। हाँ, एक सेकंड आप आगे पढ़े, उसके पहले मुझे बताइए, अगर आप गलती से एक कोई डेट गलत अभी बोल जाए यहाँ पे और उसके बाद आप कहें सॉरी विवेक गलती हो गई, मैं उसको प्रश्न को वापस ले रहा हूँ, तो ऐसे आदमी की इज्जत करनी चाहिए कि उसके ऊपर उंगलियां उठानी चाहिए? गलती स्वीकार करने वाले की तो इज्जत करनी। तो मैंने लिखा है, चार बार लिखा है उसको कि मेरे से गलती हो गई थी, और अच्छा। मेरा स्टेटमेंट नहीं है वो। हाँ। वो ओशो का स्टेटमेंट है जी। मेरे को किसी ने भेजा कि सर देखिए ऐसा, तो मैंने डार्केस्ट टू लाइट, फ्रॉम डार्केस्ट टू लाइट, उसको कोट के साथ, कोट अनकोट नीचे ओशो के नाम के साथ मैंने उसको डाल दिया, फिर भी लोग आपको ट्रोल करते रहे। सडनली आई रियलाइज कि मुझसे गलती हो गई। हाँ। मेरे से कैसे इग्नोर कर गया, मैं इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो। हाँ। राइट, रजनीश की आदत थी वो किस्सा भाई उस जी, 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 किस्से जी। सुनाने के चक्कर में इसका नाम उसे बुद्धा का कितनी बार तो उन्होंने नसरुद्दीन के नाम से जोड़ दिया, नसरुद्दीन का। तो मैंने कहा अरे ये तो एक गलती हो गई, मैंने इमीडिएटली डिलीट कर दिया उसको। अगर आप देखें इन लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लेके आर्टिकल और लिखना शुरू किया। सलील ने जब लिखा वहां लंदन से, मैंने इमीडिएटली ऊपर लिखा उसको कि आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, आई हैव डिलीटेड इट। बात खत्म हो गई। क्या अरे तो क्या मैंने गुनाह कर दिया क्या? यहाँ तो लोग कत्ल करके घूमते हैं सीना चौड़ा करके, तो अब इनसे कौन बात करे? ऐसे लोग जिनके इनके पास देखिए, एक बात कुछ भी हो, मोदी जी एक बात सही बोलते हैं जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जी, क्योंकि ये मेरे साथ, मेरे को मोदी जी के साथ जोड़ते हैं ये लोग। आप जुड़े हैं मोदी जी से? मैं मोदी जी पे बिल्कुल, ऑफकोर्स आई डेफिनेटली सपोर्ट हिम एज द लीडर, बिल्कुल करता हूँ मैं उनको सपोर्ट, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइट विंगर हूँ। पल्लवी ने कहा कि हम मोदी जी से, मैं ना राइट विंगर हूँ ना लेफ्ट विंगर हूँ, मेरा विंग है इंडिया विंग, सिंपल बात है। तो मैं इंडिया में बिलीव करता हूँ और बहुत पैशनेटली बिलीव करता हूँ। अगर कल को कविता कृष्णन भी पलट के भारत के हित की बात करने लगेगी, वो तो यही कहती है कि मैं भारत के गरीबों, अरे वो सर जिन गरीबों की वो बात करती है, उन गरीब के, वो किस गरीब की बात करती है ईश्वर जाने, मुझे नहीं पता किस गरीब की बात करती है। वो किसानों की बात करती है, जिन किसानों के साथ वो आती है, वो सब लाल टोपी और लाल कपड़े पहनते हैं। मैं खुद, मेरे तो ग्रैंडफादर किसान थे, मैंने तो आज तक हिंदुस्तान में लाल कपड़े पहने हुए किसी किसान को देखा नहीं। आपने देखा अपने जीवन में कभी लाल टोपी पहने हुए किसी? जो किसान वामपंथी संगठनों से छोड़े हैं वो संगठन, हाँ, तो वो किसान कहाँ से हो गया? वो एक मासूम किसान थोड़ी है, फिर तो एजेंडा ड्रिवन किसान है। वो किसान हो सकता है भारतीय किसान संघ से भी जुड़ा हो जो, हाँ, तो वो भी एजेंडा ड्रिवन किसान है जो किसान, उसका किसान वाला क्लेम तो खत्म नहीं होगा ना? नहीं नहीं, अरे लेकिन उसे लगते को सारा खेल इमेज। हमने ये क्यों मान लिया कि किसान किसी किसान का विचार नहीं हो सकता? नहीं, तो ठीक है, तो आप उसको प्रेजेंट करिए पॉलिटिकल किसान, एक इमेजिनरी टीचर किसान। जब हम टीचर की बात करते हैं तो आपको एक ही एंगल नजर आते होंगे, या कोई एक ऐसा टीचर जो कि आपको लगता होगा ये ज्ञान बांटता है। जैसे ही आपको पता चले ये जो टीचर है ये तो पॉलिटिशियन भी है, तो उसकी इमेज चेंज होती है वहां से, फिर समझ में आता है सिर्फ मात्र टीचर नहीं है। जैसे मैं अगर कोई बोले ये फिल्म मेकर, जैसे विवेक अग्निहोत्री मात्र फिल्म मेकर नहीं है, पॉलिटिकल फिल्म मेकर, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल गलती भी मत कर लीजिएगा मानने की कि मैं सिर्फ फिल्म मेकर हूं, मेरा एजेंडा है। अच्छा, मेरा एजेंडा वो आपको, आप पता करिए, मैं क्यों बताऊं अपना एजेंडा आपको? तो मेरा अपना पता करना है, नहीं, मेरा एजेंडा है अपना, मेरी अपनी एक पॉलिटिक्स है, और मैं शेमलेसली अनअपोलोजेटिकली उसके बारे में बात करता हूं, और जिसको उसके विरोध है मेरे को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आखिरी सवाल जी, ये रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, 90% जेएनयू स्टूडेंट्स से ब्रेक इंडिया, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट मस्ट लिसन टू देम, आप इतना नाराज क्यों हैं जेएनयू से? उसके दो तीन कारण हैं जी, प्लीज। एक तो मेरा पर्सनल कारण है। अच्छा, ओके, व्यक्तिगत कारण। क्या है पर्सनल? वो व्यक्तिगत कारण है कि मैंने जो देखा है कि वो जो तीन चार साल हैं, जो कौन से तीन चार साल जब पढ़ते हैं हम वहाँ पे जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जी, वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी जी। और आप इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है। Why do you think so, Vivek? Because I have seen. Have you studied there? मैं IMC में था तो मुझे एक जनरल आइडिया है, मैं जानता हूँ। IMC और JNU में तो बहुत नहीं, बहुत फर्क है, लेकिन मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं, देखिए आप, ऐसा नहीं है कि बम्बई समझने के लिए आपको बम्बई में, आपकी राय से लाखों लोगों की राय बनती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ वो राय कैसे बनी। हाँ, तो वो राय इसलिए बनी कि मुझे ऐसा लगता है उस इंस्टीट्यूट में, और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूँ जो JNU से पढ़ के आया हो, जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। जनरली हम लोग हर समय जो है एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करते रहते हैं, हम हर समय लोगों को ये बताते रहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान में जाति हमेशा उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को ऑप्रेस करते हैं। हाँ करते हैं, इसमें कोई, ये सत्य है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम कुछ गलत नहीं है,
करते ही हैं, नहीं गलत, मतलब गलत तो है, कहना गलत नहीं है, ये कहना गलत नहीं है, मेरे को चुन चुन के शब्द बोलने चाहिए। हाँ, मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये कहना गलत, ये सच्चाई है, सच्चाई है, भारत में जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है, देश में गरीबी है, ये कहना कुछ गलत नहीं है, ये सच बात है। लेकिन क्या हम ये देखना चाहते हैं कि यही है बस सत्य? दूसरा ये भी तो सत्य है कि हमने पिछले 70 सालों में इस दिशा में बहुत प्रोग्रेस की है, राइट? पर मोदी जी तो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 5 साल में हुआ जो हुआ। मोदी जी क्या कहते हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। अरे आपने कहा ना आप सपोर्ट करते हैं उनका, उनका देखिए आप यहाँ बैठ के क्या कह रहे हैं और आप आम जीवन में क्या सोचते हैं, वो दोनों अलग चीजें हो सकती हैं। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इतना बड़ा देश है, इतने सारी डाइवर्सिटी है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आपको बहुत ही कॉमन डिनोमिनेटर पे जाके बात करनी पड़ती है। आप जब फिल्में भी बनाते हैं, जब आप इतना पैसा इन्वॉल्व होता है तो कॉमन डिनोमिनेटर की बात करनी पड़ती है। आप पल्लवी से कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि मीडिया अचानक ऐसा क्यों हो गया। हाँ, अचानक इसलिए हो गया कि आज मीडिया को एक कॉमन डिनोमिनेटर, सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि मीडिया का कंपटीशन उनके साथ है, तो उनको भी उस लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मीडिया का स्तर हमेशा खराब था। भारत के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, सब जर्नलिस्ट हैं। गांधी जी खुद चलाते थे पेपर, नहीं चलाते थे जी। तो भारत में एक बहुत बड़ा साहित्यकार, कवि सब जुड़े हुए थे उससे। दुष्यंत कुमार हमारे बड़े घर में हमारे बहुत ही परिचित थे, वो भी शाम को जाके पार्ट टाइम काम करते थे जर्नलिज्म का। शरद जोशी भी करते थे, अग्गे करते थे, सब करते थे, कौन नहीं करता था इस देश में, मनोहर श्याम जोशी। लेकिन आज की तारीख में आप मुझे सॉरी बुरा नहीं मानिएगा, बिल्कुल मैं आपकी कहे एक भी बात का बुरा नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप मुझे 4 या 5 ऐसे नाम बताइए जर्नलिज्म में जिनको आज भारत के यंग जर्नलिस्ट अपना आइकॉन और अपना इंस्पिरेशन मान सके। इसीलिए ताशकंद फाइल्स जो फिल्म है, इस लड़की का भी आइडिया था, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पर ये मेरे जहन में चल भी रहा था। उसका जो पहला फ्रेम है फिल्म का, वो कहता है डेडिकेटेड टू ऑल ऑनेस्ट जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया। कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूँ आप हैं, और मैं इतने, हाउ डू यू डिसाइड दैट? सर मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी आंखें समझती हैं बात को। अच्छा। मैं बॉडी लैंग्वेज और आदमी की आंखें देख के समझ सकता हूँ। यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमण? अब ये सवाल आपने मुझसे ऐसा पूछा, जो लोग हर समय ये बताते हैं कि भारत में ये गलत है गलत है, उनसे भी तो ये पूछा जा सकता है, राइट? जो इस कुर्सी पे बैठेगा वेग अग्नोत्री, उससे सवाल, हमारा काम है सवाल पूछना। जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहां से निकले हैं जी, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक जनरल बात करते हैं सोशल मीडिया में, जब आप एक ऑडियंस को एड्रेस करते हैं एक 240 वर्ड में, तो आप एक जो जनरल उसका इंप्रेशन, आप मेजॉरिटी की बात करते हैं। यू सेड 90% बॉलीवुड में, बताइए बॉलीवुड की फिल्मों की जब बात होती है तो हमेशा कहते हैं इनके अंदर कॉन्टेंट नहीं होता है। क्या ये सत्य है? नहीं है। लेकिन ये जनरल सत्य है, पर नहीं, वो भी गलत नहीं है। जब आप जनरल बात करते हैं तो ये बात बोलना गलत भी नहीं है। 98% दैट्स अ वेरी स्वीपिंग रिमार्क, पर आप उसका तंज समझिए ना, उसका आप सरकैज़म समझिए। इतना भी तो ह्यूमर नहीं खत्म हो सकता है कि हम लोग हर चीज को जो है ब्लैक एंड व्हाइट में ड्राई हो जाए। इतने विवेक अग्निहोत्री को इतना तो आप भी व्यंग समझते होंगे, उसमें क्या लिखा है? जी बिल्कुल। तो विवेक अग्निहोत्री को कभी की बात का मर्म समझिए, मर्म समझा। तो सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के संपादक है और आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, वो 2% में आएंगे या 98%? अभी मैं आपको इतना जाना नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम जेएनयू। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था। अच्छा, हाँ। कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज जेएनयू वालों की? थोड़ी सी हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को परखने वाली। पत्रकारिता का धर्म, निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो बिना किसी हिडन एजेंडा के। काश ईश्वर करे ऐसा हो सबके साथ, भगवान करे हर कोई आप जो कह रहे हैं उस बात को सुने और उसका आचरण भी करे। जी बिल्कुल, ईश्वर मनसा वाचा कर्मणा। जिस दिन ऐसा होगा मैं सच बात बता रहा हूँ कि मैं उनके पांव धो के पी लूंगा। और फिर आप ट्विटर पे लेबल करना बंद कर देंगे? ये लेबल तो देखिए छोड़िए, लेबल की बात, कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं है। वो जो लेबलिंग की आप बात कर रहे हैं, ये विश्व ही ऐसा, हर कोई हर किसी को लेबल ही कर रहा है यहाँ पे, राइट? इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव। हम सब अपने ये नैरेटिव का वॉर चला रहा है लाखों साल से। अगर आप उसको खत्म कर सोचते हैं खत्म हो जाएगा तो वो कभी खत्म होगा नहीं, और उसमें कोई गलत बात है भी नहीं, जिसका नैरेटिव विद्यमान रहेगा। और आप तो ओन भी करते हैं चीजों को, छिपा हुआ नहीं है आपका उसमें, क्या छुपा हुआ? मैंने तो बहुत सारे लोग छिप के करते हैं ना। मैंने तो खुल के जेएनयू में बोला था कि ब्राह्मणों को इतनी क्या गाली देते रहते हो हर समय तुम लोग, क्या इस देश में ब्राह्मणों से कोई फायदा नहीं हुआ इस देश का कभी? तो तुम सारे ब्राह्मणों को कैसे लेबल कर देते हो उठा के? वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ब्राह्मणवाद कौन चलाता है? कौन चलाता है? ब्राह्मण ही तो चलाते हैं, और कौन चलाता है? क्या ब्राह्मणवाद? एक दलित भी अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है
जैसे दलितों में भी बहुत सारे मेरिट से जी, श्रेष्ठ से आपका मतलब मेरिट से, श्रेष्ठ से मेरा मतलब है कि वो एक खास जाति में जन्म लेने के कारण यदि आपने आपको ऊंचा, तो फिर ब्राह्मण के अलावा और कैसे कोई दूसरी जाति का आदमी अपने को श्रेष्ठ बता सकता है? सवर्ण बताते हैं, सारे सवर्ण बताते हैं। हाँ, दलितों में भी सब कास्ट है, जाति तो उसको तो ब्राह्मण सवर्णवाद बोलना चाहिए ना, ब्राह्मणवाद क्यों बोलते हैं उसे? तर में क्वाइन किया गया क्योंकि वहां चलता है, मैं जब बोलता हूँ तो नहीं चलता है, वहां जनरलाइजेशन चल गया आपको, लेकिन जब मैं 98% बोलता हूँ तो जनरलाइजेशन नहीं चलता है। भारत एक गरीब मुल्क है, ये बात अगर बोलते हैं गलत है क्या? नहीं। अरे तो फिर क्या भारत में अमीर लोग नहीं रहते हैं? रहते हैं। अब आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बस तथ्य आप समझ गए ना।